हे एवरीवन, मिस्टर मिसेस नाई के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से अब मैं भी बहुत अच्छी, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है तबीयत में, थोड़ी मैं ठीक हो गई हूँ, इसलिए मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। तो क्या ही बोलूँ मैं एक मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वहाँ पर एक टाइटल रहता है हिंदू मुस्लिम कपल, तो मुझे बहुत लोगों को, पहले एक दो लोगों को थी प्रॉब्लम, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ वो एक दो लोगों को अगर मैंने इग्नोर कर दिया, बहुत टाइम से मैं एक दो लोगों को इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है, कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो, उसको मैंने समझाया भी कि आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखो मेरे चैनल को, है ना, मेरे वीडियोज़ को मत देखो, बात खत्म, आपको इतनी प्रॉब्लम। लेकिन मैं देख रही हूँ कि उस इंसान के कारण, आई थिंक या तो उस इंसान का कोई साथी है, ग्रुप है, आई भी मुझे तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखते देखते मैं बहुत लोगों को देख रही, हर वीडियो में मेरे इस बात को लेकर, इस चीज़ को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही, मिर्ची लग रही है सबको, जैसे कि मैं उसका ही खा रही हूँ, उसका ही पी रही हूँ, वो मेरा ठेका लेके रखा है, वो उन लोगों के जरिए ही मैं जी रही हूँ इस दुनिया में, वो लोगों ने ही मुझे जन्म दिया है, अब वो लोग ही मुझे बताएंगे मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, क्या बोलना है। आई थिंक वो लोग ही है मेरे सब कुछ, ऐसा मतलब वो लोग फील करा रहे हैं मुझे। तो सबसे पहली बात, जो मैं टाइटल में हिंदू मुस्लिम कपल लिखती हूँ, क्या गलत है मुझे बताओ। जो लोग मुझे ये पूछते हैं ना, उन लोगों से मैं आज पूछती हूँ, खुद मैं तुम लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, क्या इसमें गलत है? मेरा हस्बैंड हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तो हुआ ना हिंदू मुस्लिम कपल, क्या गलत है? कोई गलत नहीं। कौन ये चीज़ बोल सकता है कि ये चीज़ रॉन्ग है, मुझे बताओ। ठीक है, आप लोगों को लगता है ये व्यू के लिए, तो मान लो व्यू के लिए, यूट्यूब में वीडियो कौन नहीं व्यू के लिए बनाता है, मैं इकलौती थोड़ी ना हूँ कि मैं एक व्यू के लिए बना रही, सब लोग बनाते, इसमें तो मैं कुछ गलत नहीं दिखा रही हूँ ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मुझे लगता। इस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम होता, मैं कुछ गलत वीडियो बनाती जिससे किसी को प्रॉब्लम हो, तब आप लोग ये क्वेश्चन उठाओ, तो कुछ क्वेश्चन, यहाँ सब लोग गंदे वीडियोस बनाते, उसमें तुम लोग मिलियन व्यू देते हो, उसमें तुम लोग को शर्म नहीं आती। मैं यहाँ जो चीज़ सच्चाई है वो लिख रही हूँ एक टाइटल में, उससे तुम लोगों को प्रॉब्लम है इस चीज़ को ना, इंसान क्या खुद ऊपर वाले, खुद खुदा, कोई भगवान या खुदा कोई भी हो, कोई नहीं, वो लोग भी नहीं बदल सकते इस चीज़ को, तो तुम जैसे इंसान क्यों बदलोगे? नहीं बदल सकते हो, कोई भी नहीं बदल सकता। मेरी जो माँ जन्म दी वो नहीं बदल सकता, जो मेरा पति मेरे से शादी किया वो नहीं बदल सकता, तो तुम कौन होते हो बदलने वाले? मेरा जन्म हुआ है मुस्लिम में, मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, प्यार हुआ, शादी किया हिंदू लड़के से, वही ना हिंदू मुस्लिम कपल। गलत तो नहीं बोला ना, रॉन्ग तो नहीं बोल रही हूँ ना, फेक तो नहीं बोल रही हूँ ना, जो शर्म आएगी मुझे, नहीं है शर्म मुझे। अब इस चीज़ को तुम लोग व्यू के लिए समझो या सच्चाई के लिए समझो, जिस चीज़ के लिए समझो, समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो मेरे वीडियोस को ना देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार एक कमेंट कर दो तो समझ में आता, बार बार तुम लोग इसी टॉपिक पे बोलते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता, मैं भी एक इंसान हूँ। आपको पसंद है तो आप मेरे वीडियोस देखिए, आपको लगता है कि नहीं ये लड़की अच्छी नहीं है, इसका वीडियोस नहीं देखना चाहिए, आप जाइए, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं बोलती हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखो, लाइक करो, शेयर करो, मैं तो बहुत सारे वीडियोस में तो ये भी किसी को नहीं बोलती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं यही सोचती हूँ अगर जिसको मन में जिसको लगेगा कि हाँ मैं इसको सपोर्ट करना चाहती हूँ, ऑटोमेटिक मुझे सपोर्ट करेंगे, और जिनको लगेगा कि नहीं इस लड़की को नहीं सपोर्ट करना चाहिए, जिनको लगेगा, जरूरी नहीं है ना कि पांचों उंगली बराबर हो, जरूरी नहीं है ना, जिनको लगेगा कि हाँ इस लड़की जो भी वीडियो बनाती सच्चाई है इसके हर एक वीडियो में, वो लोग पक्का मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ऊपर वाला मेरा साथ देगा। तुम जैसे लोग को साथ की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, जो लोग मुझे जज करने आए ना उनके साथ की ज़रूरत है ही नहीं मुझे, ठीक है। अगर बढ़ना होगा तो मैं बढ़ जाऊंगी, नहीं बढ़ना होगा आगे तो नहीं बढ़ूंगी, बात खत्म। एटलीस्ट मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ मैं किसी को कुछ भी,
तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ना तुमसे मांग रही हूँ ना मैं तुमसे मांग के खा रही हूँ भाई, ना तुम मुझे खिला रहे हो। जब मेरी माँ जिसने जन्म दिया उसको प्रॉब्लम नहीं, जिसने मेरा हाथ थामा उस जिसके साथ मुझे पूरा जिंदगी बिताना उसको प्रॉब्लम नहीं, तो तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले मुझे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है अपनी लाइफ में। अगर मैं गलत हूँ ना तो ऊपर वाला है उसके लिए, ठीक है, वो मुझे बताएंगे। सब बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के हाथ में ही सब कुछ होता था, जो हुआ सब ऊपर वाले के हाथ की मर्जी से हुआ, सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ ना। तुम आकर मुझे यहाँ पे सफाई देने से अच्छा है कि तुम अपने घर को देखो, मुझे मत बताओ मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। एक होता है थोड़ा मोड़ा बोलना, एक बार बोल दिया दो बार बोल दिया, हर वीडियो में तुम लोग ऐसे ही कमेंट करते हो, क्या मिलता है तुमको? कुछ मिलता है क्या ये सब कमेंट करने से? आई थिंक मुझे नहीं लगता है तुम लोग को कुछ मिलता होगा ये सब कमेंट करने से। अरे तुम ये चीज़ को बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो, मेरे पास प्रूफ है, मेरे हर एक वीडियो में मैंने हर एक चीज़ दिखाया है। ओके, तो तुम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम लोग अपना देखो ना। तुम मैं यही बोलती हूँ, क्या बोलूँ मैं, बोल बोल के मेरे को वही खराब लगने लगता है। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, मैं हर एक वीडियो में वही लिखूंगी क्योंकि मैं हूँ हिंदू मुस्लिम कपल हम है, मैं वही लिखूंगी। जिसको प्रॉब्लम है वो ना देखे मेरे वीडियोस को, और जिसको लगता है कि हाँ मेरे वीडियोस अच्छे रहते हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। जिनको नहीं लगता वो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखे ना, वहाँ पे ब्लॉक का भी ऑप्शन होता है, नॉट इंटरेस्टेड का भी ऑप्शन होता है, प्लीज़ आप जाके नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो। ठीक है, ज़बरदस्ती का मत देखो, आप किसी का भी वीडियोस मत देखो, मेरा खुद का भी वीडियो ज़बरदस्ती देखने के लिए मैं यहाँ पे किसी को नहीं बोली हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो ज़बरदस्ती का। जिनको लगेगा करना है वो बेशक मुझे सपोर्ट करेंगे, बिना बोले हुए मुझे सपोर्ट करेंगे। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे डे वन से सपोर्ट कर रहे हैं, अब मैं उन लोगों को शुक्रिया बोलती हूँ। और जो लोग मुझे डे वन से निगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना, उन लोगों को तो मैं देखो अच्छा भी नहीं बोलूँगी खराब भी नहीं बोलूँगी, वो उनकी सोच है, बट इतना ज़रूर बोलूँगी किसी को इतना भी मत खराब बोलो कि तुम खुद खराब हो जाओ। मेरा मुंह गंदा नहीं होगा, तुम्हारा खुद का मुंह गंदा होगा अगर तुम मुझे गलत बोलोगे तो। ऐसे भी मुझे बहुत चीज़ों से क्या बोलूँ, मैं बहुत अभी अपसेट हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ अभी अपसेट चल रहा है ऑलरेडी, तो प्लीज़ मुझे तंग मत करो। और जिनको अच्छा लगता है वो मेरे वीडियोस देखो, और जिनको नहीं अच्छा लगता प्लीज़, मैं ऑलरेडी मेरे अभी फैमिली में ऑलरेडी सबकी तबीयत ख़राब है, मैं उस चीज़ में ही बिज़ी हूँ, तो मुझे और मेंटली टेंशन मत दो प्लीज़, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी, अगर आप अच्छे इंसान होंगे, आप अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे ना, तो ये बात आप समझ सकते हो, मतलब कि गांठ बांध लेना। और प्लीज़ मेरे को गलत कमेंट मत करना। और आप एक गंदे होंगे ना, गंदे होंगे ना, आपकी अगर आपको यही शुरू से सिखाया गया होगा ना कि आप दूसरे की लड़की माँ बहन को गंदे गंदे चीज़ें बोलो, तो आप बेशक मेरे वीडियोस में आना गंदा कमेंट करना, मैं समझ जाऊँगी कि आप ऐसे ही माहौल में मतलब बड़े हुए हो। मैं यही समझूंगी कि आपको शुरू से आपको यही चीज़ की सीख दी गई है कि आप किसी भी माँ बहन को जाके गालियाँ दो। ठीक है, मैं ऐसे ही समझ जाऊंगी, तो वो आपके ऊपर है आप अच्छे इंसान हो या खराब इंसान हो। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ वो मैं समझ लूंगी, तुम क्या हो क्या ना हो वो तुम मुझे बता देना। अगर तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में मेरे कोई भी वीडियोस में मेरे अगर गलत कमेंट आते हैं तो मैं समझ जाऊंगी तुम कैसे पले भरे हो। ठीक है, मैं अच्छे से समझ जाऊंगी, और जो भी वो कमेंट देखेंगे वो भी तुम्हारे बारे में समझ जाएंगे। तो मैं क्या हूँ क्या हूँ मैं तो समझ जाऊंगी, तुम क्या हो क्या ना हो तुम मुझे दिखा देना।